सो भाई अभी जो मेरे पीछे आप सब देख रहे हो वहाँ 13 AM तो 2 बज गए फ्रेंड्स। और वीडियो को बहुत ही मनोज दे एंड फॉन सर विराट कोहली बहुत ही ज़्यादा अल्लू अर्जुन एंड ये है अपना बेड जब भी मुझे एंड ये है वाटर कलर में ट्यूब वाला है फ्रेंड्स या जहाँ पे मैं अपने चेहरे को बिगाता हूँ। ये ज़रूर से आप सब बाय फॉर लो बहुत ही हेल्पफुल है फ्रेंड्स। एंड हेलो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस मोस्ट डिमांडेड वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे आ चुकी है वो है हाउ आई शुड ड्राइंग वीडियोज फॉर यूट्यूब। सो गाइस इंस्टा पे मैं बोल रहा था कि आपको यह वीडियो चाहिए तो आप सबों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया इसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। तो बिना किसी देरी तक करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप सबों को क्लियर कर लेना चाहता हूँ। सो गाइस यह जो वीडियो होने वाली है बिल्कुल नेचुरल मतलब जो रियल लाइफ मेरा है अभी मैं जैसे रह रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप सबों को देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स वीडियोज बनाने के चक्कर में कुछ चीज़ों को एक्सपेंसिव मटेरियल परचेज कर लिया हूँ या फिर कहीं चला लिया हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। जो भी है मेरा रियल लाइफ है मैं ऐसा रह रहा हूँ अभी। तो करते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू। आप आ गए हो हमारे सेटअप पे कुछ ही समय में हम अपने सेटअप को आप सबको रिवील कर देंगे। गाइस जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं अभी भागलपुर में रह रहा हूँ 12th की तैयारी कर रहा हूँ एंड जो समय बचता है तो उसमें मैं ड्राइंग कर लेता हूँ आप सबों के लिए एंड खाना वाना भी फिर से पका लेता हूँ। बहुत सारे चीज़ें मैं आने वाली वीडियो में दिखाऊँगा आप सबको। सो इस चीज़ से मैं ऑडियो को रिकॉर्ड करता हूँ वो सारी भी चीज़ें आप सबों को दिखाऊँगा। सो गाइस अभी जो मेरे पीछे आप सब देख रहे हो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है एंड डीजे आलो का ड्राइंग मैं कर रहा था। सो वही कुछ सेटअप है मैं आपको पास से दिखाता हूँ और अपने रूम पर भी टूर कराऊंगा आप सबको। तो बने रहिए इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। सो गाइस वीडियो को करते हैं यहाँ से स्टार्ट और स्लोली स्लोली आगे बढ़ता हूँ और आप सबको अपने सेटअप के पास ले जाता हूँ। सो गाइस ये कुछ ड्राइंग्स अभी रिसेंट में मैं बनाया हूँ डीजे आलो का और ये जो बोर्ड है फ्रेंड्स ये नॉर्मल सा बोर्ड है और ये एक स्टैंड है जिसके हेल्प से वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है और ये रेफरेंस मोबाइल है जो यहाँ पे ऐसे कुछ रख देता हूँ। और आई भी नाइट का समय है फ्रेंड्स अभी टाइम देख सकते हो 2:13 AM तो 2 बज गए फ्रेंड्स। और वीडियो को आप सबको लिए कर रहा हूँ शूट और ये दो जो देख रहे हो लाइट्स ये है सॉफ्ट बॉक्स जिसके हेल्प से आप वीडियोज में आप सब क्वालिटी देख सकते हो बहुत काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ जाती है। और इसमें जो यूज़ किया हूँ फ्रेंड्स इसमें 9 वाट वाली LED बल्ब को यूज़ किया हूँ इसमें भी और इस वाले में भी तो दोनों में LED बल्ब को यूज़ किया हूँ और कुछ इस प्रकार से मैं और ये बेड है फ्रेंड्स जिसमें जो मैं स्टैंड को लगाया हूँ स्क्रू आता है इसमें आप लगा सकते हो इजीली और कुछ इस प्रकार से ओवर हेड वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। और जो ये लाइट के लिए जो वायर्स है फ्रेंड्स इसको जहाँ से मैं कनेक्ट कर लिया हूँ तो इजली कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। तो कुछ इस प्रकार से अपना वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता हूँ और चलिए अब मिलाता हूँ अपने ड्राइंग मटेरियल्स से। तो ये रहा सबसे पहले वेस्ट पेंसिल को साफ करके जो वेस्ट बचता है आप सब जानते हो तो स्केच को बनाते समय बहुत ही ज़्यादा पेंसिल को साफ करना पड़ता है तो साफ करके मैं इसमें रख लेता हूँ। और ये रहा कुछ पेंसिल का बॉक्स से 8 लाइन पेंसिल इसमें मैं इसको डब्बा ही परचेस कर लिया था 8B है और 10B को मिला करते। और ये कलर पेंसिल है फ्रेंड्स इससे आप ड्राइंग आया था और भी ड्राइंग आएगा इससे। और ये अपना कुछ ब्रश है ये आइवरी पेपर है और मिलाता हूँ अपना पेपर से ड्राइंग पेपर से। तो ये सारे कुछ बहुत तरह का ड्राइंग पेपर है फ्रेंड्स तो देख सकते हो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स। और सबसे जो मस्ट वाली है ड्राइंग ये कार्ट्रिज पेपर इस पर बहुत ही जल्द मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो आ जाएगी। और ये देख सकते हो आइवरी पेपर ये दोनों फ्रेंड्स A3 साइज सब पेपर है A3 साइज वाला तो वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा। और ये जो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये है डिस्प्ले बुक तो मैं इसे पास से दिखाने का कोशिश करता हूँ आई होप। तो ये है रोहित शर्मा बहुत ही मनोज दे एंड फॉन सर विराट कोहली बहुत ही ज़्यादा अल्लू अर्जुन तो कुछ इतना ड्राइंग्स में बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। अगर आप सब बोलोगे कि डिस्प्ले बुक टूर लाओ तो मैं जल्द से जल्द लाने का कोशिश करूँगा। और यहाँ पे कुछ रिसेंट वाली वर्क जो मैं बनाया था फादर साहब वाली देखो
तो कुछ इतना है फ्रेंड्स। और चलिए मिलाता हूँ अपने फैन से। यह फैन जो ड्राइंग करते समय मैं ऑन कर लेता हूँ और ठंडी हवा को खाता हूँ। एंड ये है अपना वाटर जिसे ड्राइंग करते समय मैं पीता हूँ। और चलिए मिलाता हूँ अपने कुछ डेली यूज ड्राइंग मटेरियल से। तो इन सारी मटेरियल का मैं डेली यूज करता हूँ। तो देख सकते हो काफ़ी कुछ इसमें है जिसका हेल्प होता है स्केच बनाते समय। अगर आप सब भी स्केच को बनाना चाहते हो तो ये सारे मटेरियल्स आप सबके पास रहना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये पोस्टर कलर, ये स्केच पेन एंड कॉटन है, एंड ये है ड्राइंग पेंसिल। तो देख सकते हो इधर है आर्ट लाइन, एंड ये ड्राइंग पेपर फाइबर पेस्टल वाला। तो नॉर्मल सा ड्राइंग पेपर है फ्रेंड्स जिससे हेल्प से मैं ड्राइंग को करता हूँ। तो अब बारी आती है अपने लेफ्ट साइड वाला सीन को देखने का। तो चलिए लेफ्ट साइड वाला सीन देख लेते हैं। एंड ये है अपना बेड। जब भी मुझे नींद आ जाती है फ्रेंड्स मैं इस पे सो जाता हूँ और रेस्ट कर लेता हूँ। तो जो आपको सामने दिख रहा है फ्रेंड्स वो है ड्राइंग पेड। ड्राइंग पेड है फ्रेंड्स जिसकी मदद से आप ये इजीली इस पे मैं होल्ड करते एंड ऑयल पेस्टल का प्रैक्टिस करता हूँ। ये है सोम राजा का। तो मैं अभी आउटलाइन कंप्लीट कर लिया हूँ, बहुत ही जल्द वीडियो आएगा इस पे। एंड ऑयल पेस्टल से भी बहुत ही जल्द वीडियो आएगा, प्रैक्टिस करते रहता हूँ फ्रेंड्स। तो अब बारी आती है हम अपने इस वाले एरिया को दिखाने का। तो इस एरिया में अपना 12 वाली जितनी बॉक्स कॉपीज है इस वाले साइड में रख लिया हूँ। और इससे ऊपर साइड में देख सकते हो फ्रेंड्स ये है रोल, हैंडमेड पेपर का रोल है फ्रेंड्स जिसकी हेल्प से आप वाटर कलर को कर सकते हो। और नॉर्मल पेपर पे तो आप वाटर कलर नहीं यूज़ कर सकते हो, तो हैंडमेड पेपर बेस्ट है वाटर कलर के लिए। और आइए आप इस साइड में अपना कलर्स है। सबसे पहले तो ये है सेलो टेप, ये है मास्किंग टेप, तो आप सब जानते होगा इससे यूज। एंड ये है वाटर कलर में ट्यूब वाला है फ्रेंड्स, आप सब देखो 24 ट्यूब्स है। एंड ये है ऑयल पेस्टल और ये है चिपेस्ट वाटर कलर 10 पेज वाला। इससे मैं पोर्ट्रेट करने का कोशिश करूँगा और वीडियो जल्दी आएगा इस पर भी। और ये एक्रेलिक कलर कुछ बहुत ज़्यादा ड्राइंग मटेरियल्स है फ्रेंड्स, इसमें भी बहुत ड्राइंग मटेरियल्स है। एंड ये है एरिया जहाँ पे मैं अपने चेहरे को बिगाड़ता हूँ। एंड ये सारा कुछ है इस साइड में। तो और आप सब देखो, और इस साइड में मेरे कुछ ड्रेसेस हैं, तो इग्नोर करो ये सब चीज़ें। और ये सारी इधर अपने राशन वाला चीज़ है। तो देखो राशन वाला चीज़ को मैं नीचे रख दिया हूँ फ्रेंड्स, तो इस सब पे ज़्यादा ध्यान मत देना। और जो ये वाटर है फ्रेंड्स मैं साइड में रख दिया हूँ। और ये एरिया को तो आप जानते होंगे फ्रेंड्स, जहाँ पे मैं वीडियोज डेली शूट करता हूँ इसी एरिया में लाइट को कुछ यहाँ पे, ये जो टेबल देख रहे हो फ्रेंड्स ना, ये टेबल को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। एंड दोनों सॉफ्ट बॉक्स को यहाँ से कुछ इस यहाँ पे ऐसे ऐसे दे देता हूँ एंड कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे मैं शूट कर लेता हूँ इधर। तो चलिए मैं अपने कुछ इधर से मिलाता हूँ। मैं चैनल का नाम लिख दिया हूँ और आर्टिस्ट प्रशांत कुमार एंड वन से सब्सक्राइबर। तो बहुत ही जल्द वन से सब्सक्राइबर को अचीव कर लूँगा। और आप सब जरूर सब सब्सक्राइब नहीं करते हो इसलिए बहुत लेट लग रहा है मुझे, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स अभी मैं रियल में जिस तरह से रह रहा हूँ वो सारी चीज़ों को आप सबको देखने को मिला होगा। आई होप कि आप सबको पसंद आएगा हमारा लाइफ स्टाइल। एंड सो मैं अभी सिंगल रह रहा हूँ बेड में, रूम में, एंड खुद से ही सारा चीज़ खाना वाना सब कर लेता हूँ। उतना अच्छा तो नहीं बन पाता है फिर भी काम चल जाता है। एंड आई होप से आप सबको हमारी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी। और आप सबको अगर ड्राइंग सेटअप बनानी है तो फ्रेंड्स आप सब जो ये स्टैंड देख रहे हो, मैं फिर से आप सबको दिखाता हूँ ये जो स्टैंड है फ्रेंड्स, ये जो स्टैंड है ये ज़रूर से आप सब बाय कर लो, बहुत ही हेल्पफुल है फ्रेंड्स। एंड कुछ इस प्रकार से, एंड सॉफ्ट लाइट आप सब अपने घर में बना सकते हो। और लाइट प्रॉब्लम हो रही है होगी फ्रेंड्स क्योंकि मेरे पीछे ही लाइट है इस साइड से आ रही है, एंड ड्राइंग पे दो लाइट्स है। और कुछ अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हो पसीना से भीग चुका हूँ क्योंकि वीडियो तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड फैन कर दिया हूँ ऑफ। सो भाई
वीडियो को पढ़ते हैं यहाँ पे एंड एंड आई होप से आप सब को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। सो भाई अभी जो आप वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था मैं इसी ट्राइपॉड से हेल्प से कर रहा था और जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही थी वो है बोयाजा माइक जिससे हेल्प से बहुत ही काफ़ी बेहतर आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है। तो कुछ इतना है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। तो कुछ इतना ही सिंपल सा लाइफ स्टाइल है तो मैं कुछ इस प्रकार से वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ आप सबों के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टमाटरदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।